unfortunately, this country in India's neighborhood, terrorism has become his favorite child. आतंकवाद पर मोदी का ब्रिक्स में सिक्स. We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. समंदर किनारे चीन की ओपन हार्ट सर्जरी. देयर मस्ट बी नो डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल एंड सेल्फ सर्विंग ग्राउंड्स. आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अचूक वार. देयर वेपन सप्लाई, ट्रेनिंग एंड पॉलिटिकल सपोर्ट मस्ट बी सिस्टमेटिकली कट ऑफ. पाकिस्तान को अलग थलग करने के मिशन में भारत को ब्रिक्स सम्मेलन में भारी कूटनीतिक जीत मिली है. आतंक पर समुद्र मंथन से पाकिस्तान परास्त. We are also one in agreeing that BRICS need to work together and act decisively to combat this threat. पाकिस्तान को चरित्र प्रमाण पत्र देने वाला चीन चाहकर भी अब अपने यार पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा. ड्रैगन पर मोदी का डायरेक्ट अटैक. तो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली. पीएम नरेंद्र मोदी सभी ब्रिक्स देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने में कामयाब हुए हैं. गोवा में आज ब्रिक्स और बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पाकिस्तान का दुलारा बच्चा है. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बार बार रुकावट बन रहे चीन पर भी भारत ने सीधा वार किया. भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसे चीन चाहकर भी भेद नहीं सकता. गोवा में शनिवार की रात जब ब्रिक्स देश के सभी नेता मोदी जैकेट पहनकर एक साथ चल रहे थे, तब एक बात साफ हो चुकी थी कि ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कामयाबी की ओर बढ़ रहा है. ये मिशन था आतंकवाद के खिलाफ, ये मिशन था आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ. अनफॉर्चुनेटली दिस कंट्री इन इंडियाज नेबरहुड टेररिज्म हैज बिकम इट्स फेवरेट चाइल्ड. इस मिशन में भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कूटनीतिक जीत हासिल की है. वी ऑल्सो एग्रीड दैट दोज हु नर्चर शेल्टर सपोर्ट एंड स्पॉन्सर सच फोर्सेस ऑफ वायलेंस एंड टेरर आर एज मच अ थ्रेट टू अस एज द टेररिस्ट देमसेल्व्स. पीएम मोदी पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसके दोस्त चीन को समझाने में कामयाब रहे कि दुनिया के लिए खतरा कौन है, आतंकवाद को पनाह कौन दे रहा है. ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने शी जिनपिंग की मौजूदगी में पाकिस्तान और चीन दोनों देशों पर तीखा हमला किया. पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, भारत के पड़ोस में आतंकवाद की जन्मभूमि है, पूरी दुनिया के आतंकी मॉड्यूल के लिंक भी उस देश से जुड़े हैं. पीएम मोदी का इशारा पाकिस्तान की तरफ था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में एक तीर से दो निशाना साधा. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद की जन्मभूमि बताया. वहीं साथ ही चीन को इस बात की नसीहत भी दे दी कि आतंकवाद जैसे मसले पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा. गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन सभी सदस्य देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया जिसमें आतंकवाद एक अहम मुद्दा रहा. सभी देशों ने माना कि आतंकवाद बड़ा खतरा है, आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग को प्राथमिकता दी गई.
वी वर यूनानिमस इन रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट दैट टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन प्रेजेंट नॉट जस्ट टू रीजनल एंड ग्लोबल पीस स्टेबिलिटी वी आर ऑल्सो वन इन एग्रींग दैट ब्रिक्स नीड टू वर्क टूगेदर एंड एक्ट डिसिसिवली टू कॉम्बैट दिस थ्रेट वी अंडरस्कोर द नीड फॉर क्लोज कोऑर्डिनेशन और ट्रैकिंग सोर्स ऑफ टेररिस्ट। ज्यादातर मौकों पर चीन के खिलाफ सीधा हमला करने से परहेज करने वाले भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ड्रैगन पर करारा वार किया। पीएम मोदी ने चीन को आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं अपनाने की नसीहत दी। सिलेक्टिव अप्रोचेस टू टेररिस्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट ओनली बी फ्रुटाइल बट ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव। देयर मस्ट बी नो डिस्टिंक्शन बेस्ड on artificial and self-serving grounds. Criminality should be the only basis for punitive action against the individuals and organizations responsible for carrying out terrorist acts. ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समझ गए कि पीएम मोदी की ये सलाह चीन के लिए ही है, क्योंकि चीन ने ही पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर को यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने में अड़ंगा डाल दिया। हाल ही में मसूद के मुद्दे पर चीन ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कोई देश ना करे। जवाब में पीएम मोदी ने जिनपिंग से कहा, आतंकवाद को राजनीतिक समर्थन देना बंद हो। Training and political support must be systematically cut off. In this respect, we need to deepen the security cooperation between our national security advisors. आतंकवाद पर ब्रिक्स के सदस्य देशों का साथ भारत के लिए आतंकी देश पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। तो ये माहौल एक ऐसा है जिसमें मैं समझता हूँ कि पीएम मोदी एक बहुत अच्छे होस्ट की तरह और एक बहुत अच्छे काबिल मैं समझता हूँ स्टेट्समैन की तरह पाकिस्तान को हर कदम पर बेनकाब करेंगे। चाइना जो है वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए अपने स्टेचर के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, वो करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। Yes. भारत ने दबाव लगा दिया, पूरे देशों ने दबाव लगा दिया है पाकिस्तान की टेररिज्म को बंद करो, तो उसमें रशिया सहमत हो गया हमारे साथ, काफ़ी अमेरिका सहमत हो गया हमारे साथ। और चीन से जब बात हुई, चीन ने बोला एनएसए साहब बात करेंगे मौलाना मसूद अजहर के बारे में, जो उन्होंने हॉल्ट लगाया हुआ है यूनाइटेड नेशंस में। जो पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत में आतंकी मसूद अजहर का मुद्दा भी उठाया। जिनपिंग ने कहा, आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत चीन के बीच साझेदारी को बढ़ाने की जरूरत है। गोवा के समुन्द्र किनारे ब्रिक्स का सम्मेलन एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत का सबसे बड़ा आयोजन था और पाकिस्तान को अलग थलग करने के मिशन में मौका बेहद अहम था और भारत ने इस मौके को पूरी तरह से भुना लिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए जरूरी है चीन का हृदय परिवर्तन करना। ये काम उतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तान से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करना। दिल्ली से मनीष शुक्ला और रूफी जैदी के साथ संजय सिंह, जी मीडिया, गोवा। गोवा में ब्रिक्स और बिम्स्टेक सम्मेलन आज खत्म हो गया। इस दौरान सभी ब्रिक्स सदस्य देश और बिम्स्टेक के सदस्य देशों ने आतंकवाद का विरोध किया। रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पहले से भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चीन का अब तक का रवैया भारत विरोधी और पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने वाला रहा है। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने चीन को सीधा संदेश दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया नहीं चलेगा। चीन व्यापार में सहयोगी, आतंकवाद पर विरोधी क्यों? फोर्थ, सिक्योर अवर सोसाइटीज इन द वर्ल्ड वी हैबिट
inhibit today security and counter terrorism cooperation is necessary if we are to secure the lives of our citizens. Terrorism casts a long shadow on our development and economic prosperity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर आतंकवाद के खिलाफ जंग की अगुवाई कर रहे हैं और इस जंग में पूरी दुनिया को एकजुट करने में जुटे हैं, लेकिन चीन निजी फायदे और पाकिस्तान प्रेम में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर बनाना चाहता है, जबकि भारत की कोशिश है कि चीन इस जंग में रूस जैसी भूमिका निभाए। रशिया'स क्लियर स्टैंड ऑन द नीड टू कॉम्बैट टेररिज्म मिरर्स ऑफ अवर ओन. We deeply appreciate Russia's understanding and support of our actions to fight cross-border terrorism that threatens our entire region. We both affirm the need for zero tolerance in dealing with terrorists and their supporters. रूस ने एलओसी पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का भी समर्थन किया, लेकिन चीन अब तक इस मुद्दे पर चुप है। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का साथ दे रहे चीन ने हाल ही में कहा था, यूएन में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो करने के उसके रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करने पर भी चीन कायम है। हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत चीन के बीच बातचीत में यह तय हुआ कि दोनों मुद्दों पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन चीन का हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद बेहद कम है। भाई वो हर एक देश अपने स्वार्थ के अनुसार जाएगा, अपने हित के अनुसार जाएगा, जितना भी प्रयास करें वो सफल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैशे मोहम्मद का भी वही है, वो एनएसजी का जैशे मोहम्मद का दो जुड़ा हुआ है, जैशे मोहम्मद पर तो वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। चीन भारत के साथ व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी बना रहा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने से ड्रैगन हमेशा पीछे हटता रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत और चीन के बीच 2015-16 में 71 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ, जिसमें चीन ने भारत को सिर्फ 9 बिलियन डॉलर का सामान भेजा और चीन से करीब 7 गुना ज्यादा यानी 62 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। भारत के साथ व्यापार चीन के लिए आर्थिक तौर पर बेहद फायदेमंद है। रही बात आतंकवाद की, तो चीन ये समझता है कि भारत की तरक्की में रुकावट डालने के लिए भारत का आतंकवाद से पीड़ित रहना भी जरूरी है, जबकि चीन भी आतंकवाद से प्रभावित है। His research is now global. It has grown more lethal and adept at the use of technology. Our response to terrorism must therefore be nothing less than comprehensive. And we need to act both individually and collectively. चाइना अपने साथ किसी को एशिया के अंदर अपने साथ खड़ा नहीं करना चाहता। चाइना एक डोमिनेंट रोल चाहता है। चाइना एक तरह से विदाउट डिक्लेयरिंग अपने आप को एशिया की एक सुपर पावर, वो अमेरिका के साथ एक सुपर पावर के लिए कम्पीट करता है। एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत के आक्रामक तेवर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आतंकवाद पर दुनिया की एकजुटता को देखते हुए चीन सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकता। चीन समझ रहा है कि अगर इस वक्त उसने पाकिस्तान का समर्थन किया तो वो उसके लिए भारी पड़ सकता है। चीन की इस चालाकी को भारत भी समझ रहा है और इसीलिए चीन को नसीहत और पाकिस्तान पर हर मंच से हमला बोल रहा है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई, जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के दुश्मन आतंकियों को बचाता रहेगा। दिल्ली से मनीष शुक्ला और रूफी जैदी के साथ संजय सिंह, जी मीडिया, गोवा।